समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का कार्यक्रम हल्दर के मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और जिस तरीके से गठबंधन और साथ लड़ने का साथ में मिलकर के आगे उत्तर प्रदेश को बचाने का काम होगा। आज का जो जन समर्थन था और जन समर्थन में जो उत्साह और जोश था वो ऐतिहासिक परिणाम देगा। तमाम वो लोग जो वंचित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनके हक और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, वो सब इकट्ठे एक मंच पे हुए हैं। बहुजन के बाद जो है ये भीड़ आपको कितना फायदा दी? बहुजन समाज पार्टी और पहले भी गठबंधन हुए, ये गठबंधन उत्तर प्रदेश को खुशहाली और बदलाव के लिए है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा ओम प्रकाश राजभर जी ने खोला था और ऐसा दरवाज़ा खोला कि उन्हें बहुमत मिल गया दोनों जगह पर। इस बार वही दरवाज़ा ओम प्रकाश राजभर जी बंद कर दे रहे हैं और लगा बचा जो उसमें लॉक लगना है वो हम लोग लगा देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश। भाजपा से मजबूती लग रही है आपको? जो जन समर्थन, जो उत्साह दिखाई दे रहा है उससे ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। खासतौर पे नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में एक मीटिंग में कहा कि पूर्वांचल अब हमारा है और खासतौर पे आजमगढ़, अखिलेश यादव उसे भी पूर्वांचल अपना कहते हैं, तो दोनों को लेके आप कितना मुखरित? खुशी है कि पूर्वांचल की जनता बहुत ही राजनीतिक है और पॉलिटिकल है और पूर्वांचल की जनता अपने सम्मान को समझती है। इस बार जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, बलिया से लेकर के जैसे ही लखनऊ पहुंचेंगे पूरा सफाया आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। अच्छा, खासतौर पे आजमगढ़ को लेके कभी कई बार सवाल उठे, यहाँ तक कि लोगों ने पोस्टर तक लगा दिए, वाराणसी में कई रैलियाँ हुई, आजमगढ़ में उसकी अपेक्षा में आपकी कम आना जाना भी हुआ रैलियाँ हुई? देखिए, आजमगढ़ मैंने पहले ही कहा है कि कोई आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है और आजमगढ़ और इटावा हमारे लिए एक सा है। ये जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जहाँ पर हमें मौका मिला है और बड़ा काम करने के लिए, ये सरकार बनाने का चुनाव है। मुझे खुशी है कि ना होने के बाद भी समाजवादी और यहाँ की जनता को लगातार हम लोग ध्यान में रखते हैं और हमारी पार्टी का संगठन नेता लगातार उनकी सेवा करते हैं।